इसके अंदर है एक पैकेट जो द मिनिमल प्लस इतने मुझे भेजे, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर फेस मास्क है, मैंने खोला था थोड़ा सा क्योंकि ये वो आपको कैंची के साथ खोलना पड़ता है। पता नहीं कौन आए दरवाजे पर मैं इसके अंदर से निकाल के बाहर है कोई, अब देखती हूँ। ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला आपका सूट के साथ भी बड़ा अच्छा जाए। ये वाला आज मैं पहनूंगी, ये वाला मेरे कपड़े के साथ इतना मैच हुआ है, और ये वाला भी। तो मेरे पास हैं सूट जिनके साथ ये सारे मैच हुए, तो मैं ये वाला पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ज़ैनब ने जी नकली नाखून लगाए हुए हैं, ठीक है, अपने तो इनके ये नहीं लंबे करते बच्चे, ईद पे ये यहाँ कोई फंक्शन वगैरह हो तब ये वाले लगा लेते हैं। तो ज़ैनब का जी ये वाला आउटफिट है, ये देखें, ये जो मैं सुबह इस्त्री कर रही थी, ये लास्ट ईयर मैं सिलवा के लेके गई थी, मैंने सुबह भी बताया था क्रिमसन का, तो मेरा इसमें वाइट है, मैंने ये पहना हुआ, ये देखें वाइट वाला। गाइस ये फेस मास्क है द मिनिमल क्लोजेट से, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं एक रील लगाऊंगी, उनको मैं टैग करूंगी। तो ये फेस मास्क बड़ा ही नाइस है, ये इसका शेप भी नाइस है, जैसे नाम कहता है ये तो आप तो जैसे वो दूसरे वाले होते हैं ना, उनका ऐसे इतना अजीब शेप आ जाता है मुंह के साथ, तो ये देखो कितना नाइस मच हुआ है। तो कपड़ों के साथ उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, अगर आप उनको डीएम करें वहाँ पर दिखा सकते हैं कि उनके पास कौन से हैं, तो आप ले लेना, जैसे अगर आप ईद के लिए भी अगर आपने जैसे बाहर। तो यहाँ पे जी अब्बू जी और ज़ैनब बैठे हुए हैं और बस गाड़ी का हम वेट कर रहे हैं, अभी गाड़ी वाला आता है तो फिर हम जाते हैं। ये भी ऊपर देखो नाना, वो कह रहे हैं उनका टिक्का ला दे नज़र लग जानी है, कहते जी नहीं लगती नज़र नाना अबू को, कह ये अब कह रहे हैं मास्क क्यों पहना हुआ इसने, वो कहती फैशन है फैशन। अबू जी को ना समझ लगती है उसने वीडियो बनानी होती है, कहते ये तुमने क्या मुंह पे चढ़ाया था उतारो, नकली लाए सो नकली। आहा पगा मनु नकली भी से अंजब और जाने नाना वो कहता है जो छुरियां बनिया आ रहे है वो का एदे एदे नाल सब्जी काट लांगे इस कटके से, जरा मास्क ऊपर करो। और अब हम जा रहे थे बुच्ची खाला के घर, और फिर उसके बाद हम गए थे मम की फार्म पर। तो ये मेरा जो स्कार्फ था ये पीछे गिरता जा रहा था, वो विंडो जो खड़ी हुई थी तो ये पिन ने भी लगाई थी, तो गाड़ी में अब मैं वो पिन उतार के इसको फिक्स नहीं कर सकती थी। तो एनीवेज ये मासा टिकी भी मैं नहीं उतार सकती थी क्योंकि मैंने वो फिर जैसे सारा वो मेरे बाल ख़राब हो जाने थे। और अब हम पहुँच गए थे बुच्ची खाला की गली में, तो यहाँ पर वो सबा भी थी, तो अब हम बस अंदर जा रहे थे। और अब आप देखना के खाला ने क्या पकाया हुआ था। और फिर यहाँ पर खाला ने फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जूस बनाया हुआ था, ये सब लोगों को बड़े मज़े का लगा था। मैंने 1.5 ग्लास पिया था, मम ने 2 पिए थे, नानो बू ने भी पिया था एक, अनमरबला ने भी पिया था एक एक। तो इसके अंदर खाला ने आइस भी डाली थी ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर इसके अंदर काला नमक भी था, और ये इतना मज़े का था ना फ्रेश वाला जूस स्ट्रॉबेरी का, बड़े मज़े का। और फिर यहाँ पर खाला ये बना रही थी, ये था टिंडे गोश्त, और मुझे इतने मज़े के लगे थे, इतनी देर बाद मैंने टिंडे गोश्त खाए थे। और फिर यहाँ पर वो बिस्किट थे नाना बू को हम दे रहे थे, पर नाना बू बोल रहे थे कि नाना बू को वो वाला नहीं चाहिए, नाना बू को वो दूसरे वाला चाहिए, फिर मैंने दे दिया था। मुझे तो यहाँ पर बस सब लोग इंतज़ार कर रहे थे खाने का, और ये था खाना इतना मज़े का माशाल्लाह। यहाँ पर रोटियाँ भी थी, सलाद था, रायता था, पुलाव था, और फिर वो था टिंडे गोश्त। तो मैंने खाए थे टिंडे गोश्त और फिर थोड़ा सा रायता और थोड़ा सा सलाद। और यहाँ पर बस अब सब लोग वेट कर रहे हैं कि वो अब खाना डाल के, तो और ये सारा खाना बड़े मज़े का था। चलो जी नाना बू खाएंगे ऐसे आराम से, यहाँ पर मिलते हैं। नहीं नहीं निशान लग गया, तो फिर मैंने बना दी हुई है। बाजी मैं आपको पूछा था, हाँ
पता नहीं खाला ने कितने जाना है पहले हम किसी पार्क गए थे जो हमारे कज़नों ने जाना था वहाँ पर तो पहले हम पार्क गए थे और फिर हम गए थे मामू की फार्म पर तो अभी देखना यहाँ पर मामा पता नहीं क्या कर रही थी मैं फ़ोन पकड़ के तो बस मैंने पकड़ा तो अब देखते जाओ ये क्या कर रही थी बैठ के पता नहीं पर देखो कितनी क्यूट लगी ये लाइबा बनाती है मम्मा की हां लाइबा इतने अच्छे बनाती है ये वाला ये कहां से आया चलो भाई मिल लो यहां पर अब हम आप फिर से मिल लो हो गया था तो मैं क्लास में लोग मिलो जाके कि फार्म पर चले थे ओके सब लोग वापस घर चले थे तो बस यहां पर अनन मुझे लगता है पता नहीं कौन खड़ा हुआ था ये देखो सूरज इतना प्यारा लग रहा था कि मैं दिल चाह रहा था कि मैं बाहर निकल के तो बैठ के बस सूरज देखूं तो सनसेट का टाइम होने वाला था तो देखो ये नीचे आया हुआ था और ये इतना प्यारा लग रहा था जैसे गोल्डन आवर होता है ना वैसे हुआ था तो देखो मेरी प्यारी मम्मी यहाँ पे फिर से बैठी हुई है और अब्दुल्ला यहाँ मेरे पास बैठा हुआ था फिर माँ के पास अनम बैठी थी तो जब भी हम ये फार्म साइड पर आते हैं इतना हमको अच्छा लगता है तो बस ये देखो सूरज ही सूरज की वीडियोज़ आप देखना थोड़ा सा ये शीशा गंदा था पर एनीवेज और अब हम मामू की फार्म पर पहुंच गए थे तो ये देखो मामू ऑलवेज आते हैं नाना बू को निकालने के लिए गाड़ी के अंदर से तो बस यहाँ पर अब मामा भी निकल गई थी और मामा बोल रही थी अनम को कि आप भी निकलो तो पता नहीं अनम क्या करी थी बैठ के तो ये देखो सूरज फिर से देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह साथ ये सारी ट्रीज ग्रास और क्लाउड्स भी जो ऊपर ऐसे विगली विगली से क्लाउड्स और फिर ये देखो यहाँ सारा फार्म और यहाँ पर मामू गेट बंद कर रहे हैं और ये देखो यहाँ पर कितना प्यारा सूरज नज़र आ रहा है और फिर कल रोमा खाला आ रही थी तो ये मैं रात को लगी हुई थी इतना लेट मैंने ये बनाया था ना शीर खोरमा हम घर ही लेट पहुँचे थे फिर वो बिजली नहीं आती थी और फिर बिजली आई तो फिर मामा ने अपने शोरबे वगैरह बना के रख दिए फिर मैं बोली थी कि मैं अब ये शीर खोरमा बनाती हूँ क्योंकि बिजली नहीं आती तो ये फिर मैंने 2 पैक शीर खोरमे के बनाए थे पहले मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया था या घी जो भी आपने यूज़ करना है और फिर इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया था इनके जो मिक्स होते हैं उसको फिर मैंने मिक्स किया था 1 मिनट के लिए लो हीट के ऊपर और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था 2 लीटर दूध और 2 लीटर दूध बन गया था 2 ऑल पर के मैंने वो जो बड़े वाले काटन है वो यूज़ किए थे तो बस अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा टाइम था जब मैं ये बना रही थी मैंने चीज़ बॉल भी बनाए थे उसकी वीडियो मुझे था मामा के फ़ोन में मैं वो जाके लेती हूँ मामा से अभी और मैंने फिर चिकन तंदर्स भी बनाए थे मोने के अंदर पर इतने बिजी हो गए थे उनकी वीडियो नहीं बनाई तो यहाँ पर बजे हुए थे मुझे था 10 o'clock तो इसके अंदर फिर मैंने एक डाला था ऑलपेज का क्रीम का और फिर इसको मिक्स कर दिया था अंदर और इसके साथ इतना मज़े का बना था पर मैंने फिर इसके अंदर डाल दिया था 1 टीस्पून एक्स्ट्रा चीनी की और फिर रोमा खाला ने बोला था कि मिठा है पर मुझे तो ठीक लगा था पर वो बोलती थी कि मीठा था पर इस फाइन मामू ने बड़ी खाई थी पर मामू ने भी बोला था कि ज़्यादा मीठा था पर फिर भी मामू ने खाई भी थी और फिर मामू फार्म पर भी लेके गए थे तो बस यहाँ पर अब हो गया अब मैं इसको बस कूल डाउन कर रही थी और फिर मैंने इसको फ्रिज में रखना था तो अगर नाना बो भी उठे होते ना पर नाना बो कभी भी ना इस टाइम पर उठे होते यहाँ पर थे 12 o'clock रात के हो गए थे तो अब ये कूल डाउन हो गया तो फिर मैं इसको डाल रही थी इसके जो कंटेनर था तो ये 12 बजे मैंने ख़त्म की थी रात के 12 बजे अगर नाना बो उठे थे तो नाना बो ने ये जो देज के ना इसको साफ कर देना था इसके अंदर से सारा शीर खोरमा खा के तो ये देखो ये था मेरा जो शीर खोरमा था और हम जब भी आते होते थे ना तो नानो जब भी खीर बनाती थी नानो ऑलवेज़ खीर बनाती थी जैसे हर हफ्ता नानो ने खीर बना लेनी थी तो ये देखो यहाँ पर जो ऐसे नानो जान के रखती थी थोड़ा सा और मैं ऑलवेज़ बैठ के नानो के पास तो वो देखती होती थी कि नानो खीर बना रही है तो फिर मैं ना इसके अंदर से निकाल के मैं इसको सारा साफ़ कर दी होती थी तो ये देख लो 12 भी नहीं बजे एक्चुअली ये वाली क्लॉक थोड़ी सी पीछे पर 11:30 ऑलमोस्ट तो ये देखो बाहर अंधेरा कोई आवाज़ नहीं कोई परिंदा नहीं कोई बंदा नहीं मामा भी अंदर थी मामा भी फिर बाहर आ गई
थी, बोल रही थी कि आप क्या कर रही हो अभी तक. मैंने बोला मैं अभी शीर खोरमा बना रही हूँ. ये चीज़ बोल मामू के, मामू ने आना कल तो वो भी खाएंगे और फिर मैं वो चिकन स्ट्रिप्स भी बनाऊंगी. वो मामू मैं आपको बना के तुम्हें दिखाऊंगी. इतनी दर्द करी है पर मैं भी करके छोड़ूंगी क्योंकि फिर मॉर्निंग के अंदर गैस कभी आती हो जाती है और फिर मामा ने भी कुकिंग करनी होनी है मॉर्निंग के अंदर. फिर मामा ने मुझे बोला दफा किचन में से. मामा ने क्यों ऐसे कहा? क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत. मैं आपको दिखाऊं टाइम टाइम देखें जी. ये देखें एक और प्लेट मुझे देना. अबू जी पावे उठ जान. अच्छा देती हूँ प्लेट. ये देखें इस टाइम सेहन माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है. लाइटें दो उनकी हुई हैं. मैंने दो जैनब को चाहिए जी प्लेट. जैनब का फ़ोन है इस टाइम मेरे हाथ में. ये लो भाई और मेरे प्लेट लेके. नाना बुरा उठ जानो. ये लो मैं आपके शीर खोरमे के ऊपर क्लीन फिल्म लगा दूँ. चौड़ ना जाओ दूसरे लिपस्टिक को. ऐसे रखती जाओ ना इसमें कहती हूँ मैं. बड़ी वाली बाजी पूछी है. बड़ी वाली बाजी पूछी. नाना अपने नंबर सेव किए हुए हैं बुशरा वन और बुशरा टू. याद रहता कौन सी है? हाँ नाना को पता है. मैं तो बोल जाऊँ. नहीं नाना को पता है बुशरा वन बुशरा टू. और दोनों का निक नेम पूछी है. तो ये था सरप्राइज नानम्बू के लिए और मामू के लिए. और फिर मामू को पता नहीं था. हमने मामू को बोल के बोला था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ. तो फिर खाला आई थी और फिर दो मिनट बाद मामू भी आ गए थे. और यहाँ पर मैंने ये चिकन टेंडर्स बनाई थी. बड़े मज़े के बनते हैं. तो ये इनकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई पर ये फ्रोज़ नहीं मैंने लिए थे. बिकॉज आई एम ईटिंग अन अमरूद कैंडी. तो इसलिए मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होनी वाइट नाम. पर मेरा टाइम हुआ है व्लॉग लगाने का तो मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर रही हूँ. और फिर ये था टेबल. वेल मैं ठीक है आओ. और फिर ये था टेबल. मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया. वन से गाइस यहाँ पर था पुलाव था, टिंडे गोश्त थे, शलजम गोश्त था और रोटियाँ थी, रायता था. वो जो टेंडर्स मैंने बनाए थे वो थे. और वो जो चीज़ बोलते वो जब ये सब लोग आए थे वो स्टार्टर किया था क्योंकि सब लोगों को भूख लगी थी. पर अभी खाना नहीं तैयार था क्योंकि बिजली नहीं आई थी. तो हम कैसे बनाते हैं तो ये था मेरे जो टेंडर्स बनाए थे. इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था और फिर इसके साथ ये सॉस थी. तो ये फ्रोज़ नहीं थे जिससे. पर अगर किसी को रेसिपी फिर भी चाहिए मुझे बता देना. मैं सॉस की दे दूँगी किसी और व्लॉग में. तो आई होप कि सब लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है. तो ये बड़ा लेट लगा था. तो एनीवेज अल्लाह हाफिज़.